नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हांसी के आवाज आपका मित्र एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। कहा जाता है कि राजनीति में कोई ना स्थायी दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। हांसी की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। वो भूचाल कैसा है उसकी सूचना हम आपको देते हैं। भूचाल जब कोई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है उसे हम राजनीतिक भूचाल कहते हैं। ऐसा ही हांसी में होने जा रहा है। हांसी के हम बता दें कि सूत्रों के हवाले से जैसे कि हमें मालूम हुआ कि हांसी के एक दिग्गज कांग्रेस नेता जोगिंद्र उर्फ विनोद मेहता पिछले दिनों कांग्रेस में जिन्होंने बड़ा वर्चस्व दिखाया वो कांग्रेस छोड़कर कल ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उनके शामिल होने की खबर से जो भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में दूसरी पार्टी छोड़कर शामिल हुए उनके अंदर एक बड़ा कौतूहल समझने जा रहा है। और जोगेंद्र उर्फ मेहता विनोद मेहता जो कि एक राजनीतिक कद रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी में एक नया शक्ति पैदा होगी, एक नई ऊर्जा का सृजन होगा, ऐसा उनके समर्थकों का मानना है। कहते हैं कि राजनीति मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, सुविधा की राजनीति होती है और सुविधा के मुताबिक आदमी अपने मापदंड तय करता है। लेकिन विनोद मेहता का कद देखते हुए सुना जा रहा है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की गुजारिश की। तो सूत्रों के हवाले से वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद मेहता कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और उनके शामिल होने से हांसी की राजनीति में खासकर उबाल आ रहा है। और टिकट के चाहवान जो कि भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता के रूप में आए हैं, उनके अंदर एक ऐसी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि विनोद मेहता की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में होने जा रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ वर्चस्व देखकर कई नेता भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विनोद मेहता सूत्रों के मुताबिक ऐसा पता लगा है कि विनोद मेहता को कई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ऑफर किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों और भारतीय जनता पार्टी के आने वाले चुनाव जो कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हाल ही में केंद्र का चुनाव हुआ जहां मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आई, अब मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यानी कि यहां विधानसभा का चुनाव होगा। तो विनोद मेहता के समझा जा रहा है कि विनोद मेहता के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर एक नई तहरीर बनेगी, एक नए समीकरण बनेंगे और एक नया राजनीतिक ऐसा वर्चस्व बनने जा रहा है। ऐसे में देखते हैं कि विनोद मेहता कल कहाँ एंट्री मारते हैं, किस नेता के पास जाकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और कमल का फूल हाथ में लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। उसके बाद क्या प्रतिक्रियाएँ होंगी वो हम आपको बराबर हांसी की आवाज़ मीडिया पर देते रहेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से फिर मैं बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद मेहता कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और हांसी की राजनीति में एक नया भूचाल भी होने जा रहा है। साथी देखते रहिएगा हांसी की आवाज़ मीडिया को, चैनल को। आदरणीय मित्रों, मेरे मेहरबान दोस्तों, हांसी की आवाज़ चैनल पर हम आपको इसी तरह की फ्लैश देते रहते हैं, इसी तरह की भूचाल आने वाली खबरें देते रहते हैं और समस्याएं भी आपको हांसी की दिखाते रहते हैं। तब तक के लिए कीजिए एक नए फ्लैश का इंतज़ार, एक नए सुगोफे का इंतज़ार, एक नई न्यूज़ का इंतज़ार। मैं राजीव बंसल आपसे मुखातिब हूँगा, लेकिन आपसे एक वायदा लेता हूँ कि हांसी की आवाज़ चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका प्रिय चैनल है, आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, स्नेह दिया, प्यार दिया और फीडबैक भी दिया। आपकी फीडबैक हमारे लिए बॉर्नवीटा का काम करती है।
और एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए मुकाम के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार राजीव बंसल का। प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।